अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अपना कस्टमर फॉर्म बनाया था और उसमें हमने फील्ड्स वैसे ही प्लेस करके छोड़ दी थी। तो इस वीडियो में हम अपनी फील्ड्स के ऊपर जो भी हमें कोडिंग दरकार होगी या जो भी हम बटन्स वगैरह बनाएंगे वो हम फाइनलाइज करेंगे। तो इनमें कुछ फील्ड्स हमारी ऐसी हैं जो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, जैसे सेव्ड की जो फील्ड है ये यहाँ पे हमारे पास नहीं होगी। और इसी तरह हम साइज़ भी मेंटेन करेंगे अपनी फील्ड्स का। कलर कम्बिनेशन थोड़ा सा हम सेट करेंगे। ब्लू कलर मैंने चूज़ किया हुआ है तो उसके साथ मैं लाइट ब्लू चाहता हूँ कि मेरे पास हो जाए या डार्क ब्लू। तो ये सब हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं पहले भी करता रहता हूँ, कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या पहले से आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह मैं इस फाइल को कैसे बेहतर बना सकता हूँ ये भी आप मुझे सजेशन में बताएँ ताकि मैं उसमें इंक्लूड कर सकूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई है कि एक दोस्त ने कमेंट्स में लिखा है कि हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन होना चाहिए, स्विच करें हम बिटवीन वन और टू लैंग्वेजेस। जैसे इंग्लिश है तो हम इंग्लिश चूज़ करें अपनी मर्ज़ी से, और उर्दू में भी हम इसे रन कर सकें। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, इसमें इंक्लूड करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी डेटाबेस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें फिर अलग अलग से कोडिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, आप उसी तरीके से फॉलो करते हुए अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आप अगर ऐड करते हैं अपनी डेटाबेस में तो आपको हर फॉर्म कॉपी करना होगा। जैसे अभी मैं कस्टमर का फॉर्म बना रहा हूं तो इसे कस्टमर इंग्लिश, कस्टमर उर्दू, कस्टमर पश्तो आपको करना होगा, और उनके कैप्शंस जितने भी हैं वो आपने उसी हिसाब से रखने होंगे। मिसाल के तौर पर एक फॉर्म जब आपका फाइनलाइज हो जाए आप उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दें और जस्ट अपने कैप्शंस आप जो है वो चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर मेरे पास आए हुए हैं। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोडिंग करनी होगी अपनी स्टार्टअप से। जब भी आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन के ऊपर आपकी लैंग्वेज होगी, या आप सेटिंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं कि जब मैं अपनी डेटाबेस रन करूं तो मेरे पास कौन सी लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। ठीक है, वन टाइम उसे कहते हैं सेटिंग, या आप अगर एवरी टाइम करते हैं जब भी मैं डेटाबेस रन करूं तो शुरू में ही मुझसे पूछी जाए कि कौन सी लैंग्वेज हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से आपको सारी की सारी कोडिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये है कि आप एक या दो लैंग्वेजेस अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है फाइल, ये जो फॉर्म है, अगर मैं इसके ऊपर उर्दू भी यूज़ करना चाहूँ तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ, बजाय इसके कि सोल लैंग्वेज हमारे पास अलग अलग से चेंज हो, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, बहरहाल ये जो हमारे पास इस रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसका कलर भी हम चेंज करते हैं। जो मैंने ब्लू कलर यहाँ पे चूज़ किया है फॉर्म हेडर के लिए, इसी को मैं कॉपी करता हूँ बैक कलर के लिए, और यहाँ पे मैं इसका बैक कलर यही पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर लूँगा, मोर कलर में आके इसे मैं करता हूँ डार्क। ओके, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो लाइट या डार्क आप जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पर करता हूँ वाइट, और साइज़ मेंटेन करते हैं। इसी तरह एंकरिंग भी हम करेंगे, मार्जिन्स भी हम सेट करेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ मीडियम, मीडियम ठीक है मेरे ख्याल से। साइज़ थोड़ा सा हम इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, या मैं अगर ये मैं कर देता हूँ वाइड, ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है, अब इसमें हमारा डाटा नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने फॉर्म प्रॉपर्टीज़ के अंदर दो ऑप्शन चूज़ किए हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, इसमें पहला है डेटा एंट्री के साथ अलाउ एडिशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें हमें यहाँ पे टास्क बार में नज़र आता है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे कैन रिकॉर्ड बी एडेड विद दिस फॉर्म, तो हमने इसे नो किया था। इसका मतलब ये होता है कि हम इसमें रिकॉर्ड्स ऐसे ऐड नहीं करेंगे, जैसे हमारे पास एक सब फॉर्म होता है वैसे हम नहीं करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पर अपनी फील्ड्स बनाऊँगा और उन फील्ड्स के ऊपर हम अपना टेम्परेरी डेटा ऐड करते हुए उसे सेव करेंगे। इसी तरह एक मैंने ऑप्शन यहाँ पे डिलीशन का नो किया है, इसका मतलब ये होता है कि कैन रिकॉर्ड्स बी डिलीटेड विद दिस फॉर्म, यानी अगर हम या हमारा यूज़र कंट्रोल ए करके गलती से उसे डिलीट का बटन प्रेस होता है
तो इट्स मीन कि हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हमारी टेबल के अंदर हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ये भी मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब सेव्ड की जो फील्ड है ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी हम ले आते हैं यहाँ पे कस्टमर के बाद, ठीक है, ये हो गया। और इसमें हमें ये करना होगा कि हम अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और मैं कुछ इन्हें पेस्ट कर देता हूँ और ये मैं अटैच करूँगा अपनी इस ग्रिड के साथ, ठीक है। एंट्री डेट, कस्टमर नेम, कैटेगरी मैं छोड़ देता हूँ इसमें मोबाइल, ईमेल, और टेरिटरी भी मैं छोड़ दूँगा एड्रेस के लिए मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। स्टेटस भी हम छोड़ेंगे, यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस होगा और एडेड बाय, तो मैं यहाँ पे इसे अटैच कर देता हूँ। ये हमारी सारी फील्ड्स अटैच हो गई हैं, इन्हें मैं सेंट्रलाइज करता हूँ और इसका मार्जिन वाइड कर देंगे। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें बड़ा करना होगा, इसका साइज़ भी हम बाद में मेंटेन करेंगे। फ़िलहाल मैं आता हूँ, इंट्री डेट कैप्शन इसका जो है वो हम दुरुस्त करते हैं। कस्टमर नेम के अंदर कैटेगरी मोबाइल ईमेल, टेरिटरी हम जस्ट टेरिटरी करेंगे, आईडी हम नहीं लिखते। और इसी तरह ओपनिंग बैलेंस एडेड बाय, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो बटन होंगे, एक होगा ऐड के लिए, दूसरा क्लियर के लिए। तो एक बटन मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी बना लेता हूँ, फिर इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा। एक हम प्लेस करेंगे यहाँ पे और दूसरा उसी के बिल्कुल साथ। एक का नेम मैं दूंगा सी एम डी एड और इसका कैप्शन होगा एंड के साथ, एम्परसेंट का जो साइन है उसके साथ एंड, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और हम आएंगे कंट्रोल टिप टेक्स्ट में, इसमें मैं करूँगा एड रिकॉर्ड, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अपनी शॉर्टकट भी साथ ही साथ शो करेंगे। तो मैंने 5 स्टेप प्रेस किए हैं स्पेस के और आल्ट ए मैंने इसके साथ कैप्शन दिया है, ठीक है। ये हमारे पास होगा शॉर्टकट आल्ट ए के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से इसे हटाना चाहिए क्योंकि मेरे पास अपडेट भी लिखा हुआ आएगा, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल टिप टेक्स्ट मेरे पास नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास होगा सी एम डी क्लियर, ठीक है, और इसे मैं कहूँगा क्लियर। इसकी शॉर्टकट हम बनाएंगे कैंसिल के साथ। यहाँ पे जो ऑप्शन लगा हुआ है कैंसिल और डिफ़ॉल्ट का, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं यस, तो एंटर प्रेस करने पर आपका ये बटन अपना एक्शन परफॉर्म करेगा जो भी हम कोडिंग इसके साथ अटैच करेंगे। और कैंसिल मीन कि आप जब एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो जो भी कोड आपने क्लियर के साथ लगाया होगा वो परफॉर्म होगा। इन दोनों बटन्स को हम सेलेक्ट करते हैं, बैक स्टाइल में ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर स्टाइल में भी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, यूज़ थीम हमने नो करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके बटन्स कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके वाइट टेक्स्ट कर रख देता हूँ इसमें, और इन दोनों के लिए हम पिक्चर्स अप्लाई करेंगे। पहले हम पिक्चर कैप्शन जो है उसे करते हैं जनरल, ऐड के लिए मैं करता हूँ ब्राउज, ठीक है जी। ये आइकन्स जो मेरे पास हैं मैं इसमें आ जाता हूँ, और ऐड के लिए मेरे पास ये बटन होगा। अगर आपको आइकन्स नहीं मिल रहे तो आप ऐसे करेंगे कि icons8.com के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आइकन्स मिल सकते हैं, ठीक है। इवन कि आप उनमें कलर कम्बिनेशन भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। ये मेरे पास क्लियर के लिए है तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये है कि हमें इसमें चेक करना है ऐड के ऊपर अपडेट का हमारा कैप्शन भी होगा, तो जितना टेक्स्ट है हमें उसी के हिसाब से अपने इस बटन का साइज़ रखना है, और फिर जो है हम इसमें अपना कैप्शन लिखते हुए इसे फाइनलाइज कर देंगे। अब यही दोनों बटन हमें अपने नीचे यहाँ पे ग्रिड के लिए चाहिए, तो ये दोनों बनाने के बाद मैं यहाँ पे ले आता हूँ। दोनों का टेक्स्ट हम ब्लैक कर देंगे, ये मेरे पास होगा सी एम डी एडिट और ये होगा
डिलीट, ठीक है, एडिट और डिलीट। अब एडिट के लिए हम पिक्चर चेंज कर लेते हैं, ब्राउज ऑल आइकन्स, ये पेंसिल मैं यूज़ कर लेता हूँ, और इसमें मेरे पास ट्रैश होगी, ये है, ओके, ठीक है। जो फील्ड्स हमने छोड़ी हैं वो हम यहाँ पे ले आएंगे। मिसाल के तौर पे कैटेगरी के लिए मैं एक कब बॉक्स लेता हूँ, ये मेरे पास कब बॉक्स, इस कब बॉक्स को हम यहाँ पे बना के सेकंड नंबर ऑप्शन चूज़ करेंगे, आई विल टाइप द वैल्यूज़ दैट आई वांट, ठीक है, नेक्स्ट। और कैटेगरी में मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ रिटेलर, होलसेल डीलर, ठीक है, या जो भी बाकी आपके होंगे वो आप ऐड करने के बाद इसे फिनिश कर देंगे। इसका कैप्शन डिलीट करके हम कैटेगरी के साथ अटैच करते हैं और फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कैटेगरी में हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, और अगर हमारा यूज़र चाहेगा तो वो यहाँ पे क्लिक करते हुए मज़ीद अपनी कैटेगरीज इस कस्टमर के लिए या इन कस्टमर्स के लिए ऐड कर सकेगा। इसी तरह टेरिटरी, अब चूँकि टेरिटरी की हमारे पास अलग से एक टेबल है, तो हम इस टेबल से अपना डाटा शो करेंगे। मैं आता हूँ, कब बॉक्स लेता हूँ, कम बॉक्स के ऊपर मैं चाहूँगा कि मेरा डाटा जो है वो किसी टेबल या क्वेरी से आना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं वैसे भी कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, कैंसिल करने के बाद भी हम यहाँ पे अपना रो सोर्स दे सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रो सोर्स। इसे मैं करता हूँ ब्राउज, ब्राउज करने के बाद हम यहाँ पे अपनी टेबल ऐड कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास टेरिटरी की टेबल है, तो इसमें मैं टेरिटरी की फील्ड असेंडिंग मोड के ऊपर ऐड कर लेता हूँ, क्लोज करते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे टेरिटरीज मौजूद हैं। अब इसी फील्ड को हम टेरिटरी के अंदर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इसका स्टेटस, सॉरी, इसका फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास लास्ट कमा बॉक्स है जो कि है स्टेटस के लिए, तो मैं एक कमा बॉक्स लेता हूँ। इस कमा बॉक्स में मैं टाइप करूँगा एक्टिव और इनएक्टिव, फिनिश, कैप्शन डेल करके इस स्टेटस को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे और फॉर्मेट प्रिंटर से फॉर्मेटिंग कॉपी करते हुए पेस्ट कर लेंगे। ये हमारी फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स के अंदर हम जब अपना डाटा ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेरी डाटा होगा जब तक कि हम इसे ऐड नहीं कर लेते। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम फॉर्म के ऊपर डायरेक्ट अपना डाटा एंटर करने लग जाएँ तो उसमें अगर हम स्किप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, या किसी वजह से हम डाटा डिलीट करते हैं, तो हमारी वो आईडी एक्युपाइड हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक नंबर के ऊपर मैं अपना डाटा ऐड कर रहा हूँ और मैंने बीच में छोड़ दिया है, तो हमारी ये आईडी फिर वापस नहीं आती, ठीक है। इसी तरह जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो हमसे जो गलती है वो भी गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो इसलिए ये मेथड मैंने चूज़ किया है जो कि ज़रा बेहतर भी लग रहा है। और हमारे पास फॉर्म भी सिर्फ एक ही होगा जो कि आप डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे हम आते हैं कस्टमर्स, और ये क्लिक करेंगे हम कस्टमर्स के ऊपर तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये रिबन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी सी डैशबोर्ड की सेटिंग करके फिर आगे बढ़ूँ ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँगे किस तरह से हमारा डैशबोर्ड नज़र आएगा। डिज़ाइन व्यू में हम आते हैं और यहाँ पर हम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, कमो बॉक्स के अंदर अपना ऑब्जेक्ट, और पॉपअप हम रखेंगे येस, मॉडल येस, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, पॉपअप और मॉडल। पॉपअप मीन कि आपका फॉर्म एक सेपरेट तौर पे ओपन होगा, ठीक है, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। और मॉडल का मतलब ये है कि ये ऑन टॉप ऑफ स्क्रीन होगा, यानी आपका सारा फोकस इसी के ऊपर होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते अनलेस अनटिल आप इसे क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमारी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि स्क्रॉल बार, हम इसे ख़त्म करेंगे, मैं इसे करता हूँ नीदर, कंट्रोल बॉक्स नो, क्लोज बटन नो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज नन, ठीक है। और इसी तरह हमें करना होगा ऑटो सेंटर, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसे मैं येस कर देता हूँ। बिल्कुल लास्ट पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है साइकिल की, ऑल रिकॉर्ड, तो हम इसे करते हैं करंट रिकॉर्ड। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम एक चीज़ और ऐड करते जाएँ वो ये है कि अलाउ डिलीशन, ये हम नो कर देते हैं, हमें डिलीट नहीं करना अपना रिकॉर्ड किसी भी सोर्स से, किसी भी मीन से, सोर्स ऑफ मीन से। मिसाल के तौर पे अगर हम बटन प्रेस करते हैं डिलीट का और हमारा रिकॉर्ड डिलीट होता है, वो भी हम ख़त्म करेंगे।
और राइट क्लिक करके माउस की मदद से सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहें तो भी हम ना कर सकें। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें दो चार जो हैं ये सारी की सारी सेटिंग करनी है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एक और कोडिंग हमें करनी होगी अनलोड इवेंट के ऊपर। इवेंट में जब हम आते हैं हमारे पास एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स होती है जहाँ पे हम अपना अलग अलग इवेंट लगा सकते हैं, चाहे वो मैक्रो के ज़रिए हो, चाहे वो एक्सप्रेशन बिल्डर के ज़रिए हो, या आपकी VBA की कोडिंग हो। तो अनलोड इवेंट में यहाँ पे आके ये देखें, आप तीन हमारे पास मोड होते हैं, एक मैक्रो बिल्डर, एक्सप्रेशन बिल्डर और कोड बिल्डर। तो कोड जब आप लिखते हैं VBA के अंदर तो आपको कोड बिल्डर करना होता है, एक्सप्रेशन आपकी कैलकुलेशंस हो गई, आपके फॉर्म से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो आप यहाँ पे लगाते हैं, और मैक्रो जो है आपका एक अलग से फंक्शन होता है, एक फाइल आपके पास बन जाती है जिसके अंदर आप लिस्ट ऑफ कमांड्स यूज़ करते हैं। बहरहाल मैं आपको इंशाल्लाह आहिस्ता से सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो मुझे आती हैं। कोड बिल्डर के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर्म है वो मैक्सिमाइज्ड हो जब मैं अपने फॉर्म को रन करूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं अनलोड इवेंट मैंने ये कोड रखा है, तो अनलोड मीन जब हम अपना फॉर्म रन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं भूल गया था वो ये है कि हमें यहाँ पे साइज़, इसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे फॉर्म की, वो सेट करनी है, वो है बॉर्डर स्टाइल। ये आप देख सकते हैं, इसे हमें करना होगा नन, साइजेबल लिखा था, हमें इसे नन करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा, कस्टमर्स, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम कस्टमर्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री डेट और बाकी जितनी भी चीज़ें हमारी हैं ये सारी लिखने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने चाइल्ड के ऊपर जहाँ पे हमने छोड़ा था कस्टमर चाइल्ड, सॉरी कस्टमर फॉर्म। कस्टमर फॉर्म में यहाँ पे आईडी की फील्ड को हम छोटा कर देते हैं, एंट्री डेट, कस्टमर नेम और टेक्स्ट जो है हमारे ये हम लेफ्ट रखेंगे, कैटेगरी यहाँ तक, मोबाइल ठीक है, ईमेल थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, टेरिटरी भी हमारे पास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, एड्रेस की फील्ड भी थोड़ी सी बड़ी होगी, स्टेटस छोटा, ओपनिंग बैलेंस और एडेड बाय। ठीक है, आपने अपने स्क्रीन के हिसाब से इनके साइज़ मेंटेन करने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास इतना स्पेस है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि हम इनकी एंकरिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंकर का ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम अपने कंट्रोल्स को रीसाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें मैं चाहता हूँ कस्टमर नेम हमारे पास स्ट्रेच अक्रॉस टॉप हो जाए, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर है ये आपका ऑब्जेक्ट है और वाइट जो पूरा एक बॉक्स है ये आपका फॉर्म है। तो इस फॉर्म के ऊपर आपका ये कंट्रोल जो है अपने फॉर्म के हिसाब से एनलार्ज हो जाएगा। कैटेगरी को हम नहीं करते, हमें एड्रेस की फील्ड को स्ट्रेच अक्रॉस टॉप करना है और एडेड बाय को हम स्ट्रेच अक्रॉस टॉप करेंगे। तो इस कंट्रोल को, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, मैं यहाँ पे रीसाइज करता हूँ, इसे भी हम करेंगे स्ट्रेच अक्रॉस टॉप जो कि बिल्कुल पहले से हुआ पड़ा है। रन करने पर आप देखेंगे हमारी वो फील्ड्स जहाँ पे हमारा ज़्यादा डाटा है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएंगी। अब इन सब के नेम हम असाइन करेंगे, ये मेरे पास होगा txt id, इसमें फॉर्मेट स्टैंडर्ड, डेसिमल प्लेसेस 0 और इनेबल्ड नो, लॉक्ड यस। अगर लॉक्ड हम नो कर दें तो ये इस तरह से बेहतर है, क्योंकि आईडी की फील्ड हम आईडी कोई चीज़ हम लिखेंगे नहीं, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जनरेट होगी। एंट्री डेट, तो पहले हम ऐसा करते हैं सब के नेम दे देते हैं, txt डेट मैं इसको नाम देता हूँ, इसमें मैं करता हूँ शॉर्ट डेट, txt कस्टमर नेम, cbo कैटेगरी, ठीक है, txt मोबाइल, txt ईमेल, cbo टेरिटरी, txt एड्रेस, cbo स्टेटस। ये इनकी जो क्या कहेंगे उसे प्रॉपर्टीज़ टाइप में नाम रख रहा हूँ, ये जैसे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है तो मैं इसे txt कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही एड्रेस की फील्ड यहाँ पे मौजूद है।
तो एक ही नाम से हम दो कंट्रोल्स नहीं बना सकते, इसीलिए मैंने txt एड्रेस यहाँ पे रखा हुआ है। और वैसे भी ये अनबाउंड हैं, तो इसलिए अनबाउंड जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम डिफरेंट नाम रखेंगे। और ये मेरे पास होगा txt opg balance, इसे मैं करूँगा स्टैंडर्ड डेसिमल प्लेसेस 2। लास्ट बट नॉट लीस्ट आवर टेक्स्ट बॉक्स एडेड बाय, ठीक है, txt एडेड बाय, और इसे मैं लॉक्ड रखूँगा, ठीक है। ये मेरी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आएगी जिस यूज़र के थ्रू मैंने लॉगिन किया होगा, ठीक है। अब ऑनलोड इवेंट के ऊपर हम आते हैं, फॉर्म ऑनलोड इवेंट कोड बिल्डर मी txt डेट डॉट सेट फोकस, यानी मैं चाहता हूँ मेरा कर्सर यहाँ पे जंप करके आए, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस या जो भी चीज़ें हमारी हैं वो हम अप्लाई करेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम टेबल के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में हमारे लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो हमारी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम अपने फॉर्म्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसमें हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आफ्टर अपडेट में हम आ जाते हैं कोड बिल्डर में, हम कोडिंग करेंगे, यानी मैं इसे कहता हूँ इफ़ मी txt डेट डॉट वैल्यू ग्रेटर देन डेट देन, ठीक है। यानी txt डेट की जो फील्ड है, ये वाली फील्ड, अगर आज से ज़्यादा की डेट हो, डेट ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इसका मतलब ये है कि आज की डेट, जैसे आज 24 डेट है, कल 25, 26, जो भी हमारी करंट डेट होगी, अगर हम उससे आगे तजावुज़ कर रहे हैं, इस मीन कि हम फ्यूचर की डेट लिख रहे हैं और फ्यूचर की डेट एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है, तो इसलिए मुझे वो मैसेज दे फ्यूचर डेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन, वी वी ओके ओनली, और रॉन्ग डेट इसका टाइटल होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि डेट की फील्ड ब्लैंक हो जाएगी, हमारा कर्सर जंप करेगा txt कस्टमर के ऊपर और फिर वापस आ जाएगा डेट के ऊपर, एंड इफ, ठीक है। एंड इफ के बाद हमारी एक कंडीशन और है, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कल कल की डेट लिखी 25, तो आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज बॉक्स आया है रॉन्ग डेट, फ्यूचर डेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन, और हमारा कर्सर फिर वहीं पे मौजूद रहा है, हमारी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। तो मैं वापस आता हूँ, एल्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इफ़ देन एल्स हमारी कमांड है कंडीशनल, तो हम यहाँ पे करेंगे इफ़, इफ़ नहीं करते, मैं इसमें करता हूँ मी txt id डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू डी मैक्स। हमारे पास ये एक कमांड होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड को यहाँ पे लाती है या फील्ड को। तो डी मैक्स में हमारे पास आप देख सकते हैं, साथ ही साथ हमें वो थोड़ी गाइड भी देता है कि आपने जब डी मैक्स यूज़ किया है आपको अपना एक्सप्रेशन बताना होता है, डोमेन यानी टेबल या क्वेरी जो भी है जहाँ से आप अपनी वैल्यू लेना चाहते हैं, और फिर आपका क्राइटेरिया, ठीक है, बेस्ड ऑन आपकी किसी भी कंडीशन हो सकती है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम आईडी की फील्ड लेंगे, कहाँ से, कस्टमर्स की टेबल से। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कॉमा के बाद ये मैं यहाँ पे आया हूँ, कॉमा लगाया है, तो फिर हमारे पास वो हमें कहता है कि डोमेन आप अपना डिफाइन करें। अब हमारी कोई भी कंडीशन है ही नहीं, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कोडिंग है हमारे पास डी मैक्स की। अलबत्ता इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करता हूँ, नॉन ज़ीरो या नंबर ज़ीरो फंक्शन हम उसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी वैल्यू कोई भी मौजूद ना हो, कोई भी रिकॉर्ड हमने अभी तक ऐड ना किया हो, आईडी की फील्ड ब्लैंक हो, कोई चीज़ लिखी ना गई हो, तो उस वक्त उसे एज अ ज़ीरो ट्रीट किया जाए, ठीक है। अब एज अ ज़ीरो तो उसे ट्रीट करेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो तो डी मैक्स कर लेगा। अब हो सकता है हमारे पास उसमें कोई रिकॉर्ड्स मौजूद हों, तो वो तो हमारा आखिरी नंबर हमें वहाँ पे बताएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ हम चूँकि नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, तो उस सूरत में मेरे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं +1, अगर 0 होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा 1 नंबर आएगा, अगर पहले ही हमने 1 एक ऐड किया होगा तो फिर हमारे पास 2 आएगा, 3, 4, 5, इसी तरह ऑनवर्ड्स हमारे ये हमारे कोड्स चलते जाएंगे। तो ये हमने लगा दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं आज की डेट लिखता हूँ तो हमारे पास 1 नंबर आ गया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे हम अपना कस्टमर नेम लिखेंगे। अब जितने भी कमा बॉक्सेस हैं उन सब के ऊपर मैं चाहता हूँ ऑन गार्ड फोकस में एक कोड लगा लूँ,
कोड क्या है? ये मेरे पास है CBO कैटेगरी डॉट ड्रॉप डाउन, ठीक है। मतलब हम जब फोकस करेंगे, हमारा कर्सर यहाँ पे आए तो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन हो जाए। और कोडिंग में मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मी रिप्रेजेंट करता है हमारे फॉर्म को, ठीक है। यानी हम जिस फॉर्म के ऊपर भी मौजूद होंगे, अगर हम मी लिखते हैं तो इट्स मीन कि हम अपने उस फॉर्म को रेफ़र कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे पास कस्टमर का जो फॉर्म है। अब फुल स्टॉप लगाने के बाद हमारे जितने भी फंक्शंस उस फॉर्म के ऊपर होते हैं, जितने भी फील्ड्स होती हैं, वो आ जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मी करने के बाद, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो फंक्शंस भी हैं और उनके अंदर हमारी फील्ड्स भी मौजूद हैं। जैसे कि मैं CBO करता हूँ तो CBO कैटेगरी, CBO स्टेटस, CBO टेरिटरी, यानी ABC की तरतीब से हमारे पास ये सारी फील्ड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। अलबत्ता आप अपने काम को आसान करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि आप करें डॉट CBO कैटेगरी डॉट ड्राप डाउन। तो अच्छा, ऐसा करने पर हमारी जो फील्ड है वो फोकस हो जाती थी, ड्राप डाउन भी होता था पिछले वर्जन्स में। ये मैंने ये चीज़ नोट की थी कि जब हम डॉट के साथ यूज़ करते हैं तो फिर हमारा काम हो जाता था। बहरहाल यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, हालांकि सिंपली ये है कि अच्छा मैं एक चीज़ देख लेता हूँ। अगर मैं करता हूँ ऑप्शन एक्सप्लिसिट, एक कमांड हमारे पास है इनवैलिड आर अनक्वालिफाइड रेफरेंसेस, तो हेल्प करने पर हम देख सकते हैं क्या इशू। बहरहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मी लिखने में कोई इतना हर्ज नहीं है, एक दो वर्ड्स ही हैं हमारे पास। बहरहाल ये मेरे पास एक हो गया अपनी कैटेगरी के हिसाब से। और उसके बाद मैं आता हूँ टेरिटरी के ऊपर, तो यहाँ पे मैं आता हूँ ऑन गार्ड फोकस मी डॉट CBO टेरिटरी डॉट ड्रॉप डाउन, ये हो जाएगा। स्टेटस के ऊपर मैं आता हूँ मी डॉट CBO स्टेटस डॉट ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब इन कम्बो बॉक्सेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जो भी रिकॉर्ड हमने मॉडिफाई करना हो। लेकिन चूंकि स्टेटस के ऊपर मैं चाहता हूं कि एडिशन ना हो सके, तो इस वक्त में मैं आता हूं अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट, इसे मैं करूंगा नो, और शो ओनली रो सोर्स, इसे मैं करूँगा येस yes। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टीज़ इसके लिए होंगी, क्योंकि स्टेटस जस्ट टू फील्ड्स ही हमारे पास होंगी, एक्टिव या इनएक्टिव, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे। अब कस्टमर नेम आ गया, कैटेगरी हम चूज़ करेंगे, मोबाइल का हम पैटर्न लगा लेंगे। अच्छा, ये सारी सेटिंग जो है एक दफ़ा में करनी होगी, बार बार आपको फिर मसला नहीं होगा। आगे जब हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह तो हमारा फॉर्म कॉपी पेस्ट ही होगा, इसलिए हम पहले फॉर्म के ऊपर थोड़ी सही सेटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वो डिसार्ड नहीं होना आपने। तो हम आते हैं यहाँ पे वैलिडेशन रूल में, मैं इसमें सॉरी इनपुट मास्क में, ये जो हमारे पास है इनपुट मास्क, इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ और मेरे पास मोबाइल का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है 11 डिजिट्स। तो आपके कंट्री का जो भी पैटर्न है आप वो फॉलो करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ 0334-723-8918, ये मेरा नंबर विद ऑपरेटर। इस तरह आपने पैटर्न बनाना है, बीच में कोई डैश वगैरह नहीं लगानी, क्योंकि हम आगे चल के क्या कहते हैं उसे मैसेज सिस्टम भी बनाने वाले हैं, तो ये पैटर्न आपका होगा, ठीक है। इसको आप फॉलो करेंगे, इसको मैं कहता हूँ नेक्स्ट और फिनिश। तो आप देखेंगे कि हमारे पास फिक्स्ड कैरेक्टर आएंगे और हम अपना नंबर इसमें ईजीली टाइप कर सकेंगे बिना किसी गलती के, ठीक है। ये हो गया। अब जो फील्ड्स आपने लेफ्ट पे रखनी हैं उनकी अलाइनमेंट आप लेफ्ट कर लें। ओपनिंग बैलेंस मैं राइट पे करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये फिगर है और ये एडेड बाय। अब एक और चीज़, इंट्री डेट के ऊपर हम आते हैं, यहाँ पे हम करेंगे आफ्टर अपडेट, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास TXT एडेड बाय जो फील्ड है उसमें मेरी एक वैल्यू आ जाए। मैं कोड लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। TXT एडेड बाय, ये वाली फील्ड TXT एडेड बाय, इसमें मैंने कहा है कि टेम्परेरी वैल्यू लेना चाहिए। टेम्परेरी वैल्यू का नाम मैंने डिफाइन किया है यूज़र नेम, तो उसकी वैल्यू मैं ये चाहता हूँ। होगा क्या होगा ये कि जब हम लॉगिन करेंगे तो उस लॉगिन करते वक्त
हम अपनी फील्ड को एज अ टेम्प वार्स या टेम्परेरी वैल्यू जिसे हम कहते हैं सेव करेंगे एज अ यूज़र नेम। तो जब तक हमारी डेटाबेस ओपन रहती है हमारी वो वैल्यू टेम्परेरी तौर पर सेव रहती है और हम उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पे लगाया है। अब देख सकते हैं टेक्स्ट txt एडेड बाय, यानी ये फील्ड, इसमें मैं वैल्यू लेना चाहता हूँ टेम्परेरी वैल्यू जिसे मैं नाम दूंगा यूज़र नेम का। अब चूँकि हमने अभी तक लॉग इन फॉर्म नहीं बनाया तो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पर ही आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेके इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर फ्यूचर में हम इसकी इंशाल्लाह सेटिंग कर लेंगे, आपको आसानी होगी। मैं यहाँ पे इसका नेम लिख लेता हूँ, नेम नहीं लिखता मैं, ठीक है। मैं इसमें आफ्टर अपडेट में कोड बिल्डर के ऊपर आके मैं अपना एक फंक्शन सेट करूँगा जो कि है do cmd set parameter, ये मेरे पास होगा temp vars, और हम इसे अपना नेम डिफाइन करेंगे इंडेक्स, आपको दिखाई दे रहा होगा इंडेक्स के आप क्या नाम उसका रखना चाहते हैं। मैं इसको करता हूँ यूज़र नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट 106, जिसके ऊपर मैं अपना कोड अप्लाई कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, और ये हमारा प्रोसीजर, यानी जब हम अपना डाटा लिख लेंगे तो इसे एज अ टेम्परेरी वैल्यू एज अ यूज़र नेम सेव किया जाएगा उस वक्त तक जब तक हम अपनी डेटाबेस को ओपन रखेंगे। तो ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं समझना कि मैं मतलब यहीं पे ही करूँगा, क्योंकि लॉगिन जब हम करेंगे और जो भी हम अपनी यूज़र आईडी देंगे तो उसका जो नेम होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा एज अ टेम्परेरी यूज़र नेम सेव हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा ये डाटा टेम्परेरी तौर पर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आफ्ताब अहमद जोया और यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ आज की, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा यूज़र नेम यहाँ पे ऐड हो चुका है ऑटोमेटिकली, अनलेस अनटिल हम इसे चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं इसको करता हूँ शहीरुल हसन, और अब मैं आता हूँ आज की डेट लिखता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं शहीरुल हसन हमारे पास आ गया। अब ये हमारी टेम्परेरी वैल्यू जो है ये उस वक्त तक महफूज रहती है जब तक कि हम अपनी डेटाबेस को ओपन रखते हैं, जब हम इसे क्लोज़ कर लेंगे हमारी टेम्परेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और जब हम लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोबारा जो भी हमारा यूज़र होगा उसका नेम एज अ टेम्परेरी वैल्यू सेव किया जाएगा। तो हम आते हैं अपने मेन फंक्शन के ऊपर जो कि है बटन। अब मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट में कोड बिल्डर के ऊपर आके सबसे पहले तो मैं कुछ कंडीशंस डिफाइन करूँगा जो मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर इंट्री डेट नहीं लिखी, मैंने कस्टमर नेम नहीं लिखा, कैटेगरी मोबाइल, और यानी वो फील्ड्स जो हमारी ज़रूरी फील्ड्स हैं अगर मैंने ऐड नहीं की तो मुझे एक वार्निंग मैसेज दिया जाए कि आपने अभी तक अपना डाटा ऐड नहीं किया। इसमें मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ इज नल मी txt डेट, डेट मैं चाहता हूँ कि ज़रूरी हो, ठीक है, आर इज नल मी txt कस्टमर नेम, आर इज नल मी डॉट cbo कैटेगरी, आर इज नल मी क्या है मोबाइल, हम छोड़ देते हैं मोबाइल लाजमी नहीं है, मोबाइल नंबर बाज़ हो ना हो तो फिर ऐसा तो नहीं है कि हम अपना डेटा ही ऐड ना कर सकें, और टेरिटरी मी डॉट cbo टेरिटरी, और इज नल मी डॉट स्टेटस, एड्रेस भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन क्या होगा हमारे पास, एक मैसेज बॉक्स आएगा प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स बिफोर एडिंग अ रिकॉर्ड वी बी ओके ओनली फिल, या इसे हम जस्ट वार्निंग कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टेक्स्ट तो शो हो जाएगा टेक्स्ट मैसेज बॉक्स के ऊपर, मैसेज के ऊपर एज अ ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, तो उसमें क्या होगा फिर मेरा जो कर्सर है वो डेट के ऊपर फोकस कर जाएगा। एल्स हम अपनी दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे, अगर हमारी पहली वाली कंडीशन फेल हो जाती है उस सूरत में क्या होगा, इफ़ मी cmd add dot caption is equal to add and के साथ ampersand का साइन मैंने लगाया है क्योंकि मैंने यहाँ पे यही चीज़ यूज़ की है शॉर्टकट के तौर पे।
तो इसमें क्या है, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें हम एक फंक्शन पहले बनाएंगे, डिम एस टी आर इंसर्ट एज स्ट्रिंग। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने एस टी आर इंसर्ट किया यानी स्ट्रिंग इंसर्ट। और ये फंक्शन हम एसक्यूएल का या सीक्यूएल का जो भी आप कह सकते हैं वो डिफाइन करेंगे, जिसकी मदद से हम अपना डाटा अपनी टेबल के अंदर पुट करेंगे। क्योंकि आप आपको पता है कि हमारी ये जो फील्ड्स हैं ये सारी की सारी अनबाउंड हैं, तो इनका डाटा हम अपनी टेबल में पुट करेंगे। हमारी कमांड है इंसर्ट इनटू, यानी हम इंसर्ट कर रहे हैं अपना डाटा अपनी किसी भी टेबल या क्वेरी में, और वो सॉरी इनटू कस्टमर्स, ये हमारी टेबल है। कस्टमर्स के अंदर हम अपनी वो तमाम फील्ड्स जो हम अपेंड करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं अपनी अपने इस फॉर्म से, वो सारी की सारी डिफाइन करेंगे। इस मकसद के लिए हम आते हैं कस्टमर्स में, और बेहतर ये है कि आप कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, कॉपी पेस्ट से ये होगा कि आपके स्पेलिंग्स सेम आएंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तमाम फील्ड्स को, चाहे वो आपकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं चाहे वो ऑप्शनल हैं, आपने सबको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपका कस्टमर कोई चीज़ ऐड करे कोई ना करे, तो जो उसने की होगी वो तो आपको ऐड ज़रूर करनी है। एडेड बाय और कैटेगरी, ठीक है, ये हम करेंगे यहाँ पे फुल कॉलन सॉरी इन्वर्टेड कॉमास एम्परसेंड का साइन, और फिर अंडरस्कोर करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हम उसे बताते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो हम अपेंड करेंगे इस टेबल के अंदर। तो वैल्यूज़ में मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद एम्परसेंट का साइन आपने यूज़ करना है, एंड का साइन। तो हम उसे बताएंगे txt id, यानी ये जो आईडी है। अब अपनी फील्ड का एक सीक्वेंस उसे डिफाइन करके देंगे कि आईडी जो है वो मेरे पास आईडी हो, एम्परसेंट का साइन, डबल कॉलन सिंगल कॉलन, और स्पेस के बाद आपने सॉरी आपने कॉमा लगाना है, फिर स्पेस देना है, फिर सिंगल कॉलन डबल कॉलन और एम्परसेंट का साइन। ये आपका एक एक्सप्रेशन है जो कि डिफाइन करता है कि इनके बीच में गैप है, यानी आईडी के बाद हमने गैप दे दिया है इंट्री डेट के लिए। तो आपने इसी को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप जस्ट क्या करेंगे, मी txt डेट, फिर पेस्ट मी txt कस्टमर नेम, फिर पेस्ट मी txt मोबाइल, और फिर पेस्ट, और उसके बाद मी डॉट txt ईमेल, फिर पेस्ट cbo टेरिटरी, फिर पेस्ट txt एड्रेस। यानी आपने सीक्वेंस में ये चीज़ें बनानी है, ऐसा नहीं है कि कोई आगे पीछे आपने कर देना। ठीक है, ख्याल करना है आपने जिस सीक्वेंस से आपकी फील्ड्स आ रही हैं उसी सीक्वेंस से आपने आगे डिफाइन भी करना है। तो ये सॉरी मैंने एड्रेस करना था txt एड्रेस, ठीक है यहाँ पे, और फिर है मी cbo स्टेटस, मी डॉट txt opg बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेव्ड के लिए है, तो सेव्ड के लिए मैं जस्ट वन करता हूँ। इसका पर्पस क्या है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इंशाल्लाह। सेव्ड, उसके बाद हमारे पास दो फील्ड्स हैं, txt एडेड बाय और txt सॉरी cbo कैटेगरी। तो ये हमारा सारा सीक्वेंस है जो हमने ऊपर टेबल्स बनाई हैं, टेबल्स की फील्ड्स बताई हैं, और फिर हमने फॉर्म के ऊपर जो हमारी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी डिफाइन की हैं। अब जहाँ पे हमारी तमाम फील्ड्स ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद हमें करना होता है एम्परसेंट का साइन, इन्वर्टेड कामाज और फिर सिंगल कामा, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंड पे सेमी कॉलन और दोबारा से इन्वर्टेड कामाज। ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया है एस टी आर इंसर्ट का। अब हम क्या करते हैं कि हमने उसे कहा है अगर हमारा कैप्शन एड लिखा हुआ हो तो उस सूरत में हमारी कमांड रन होनी चाहिए, और वो कमांड ये है कि acmd सेव रिकॉर्ड, यानी हमारा रिकॉर्ड सेव हो, और उसके बाद हमें कोई वार्निंग भी ना दी जाए। मैंने यहाँ पे किया डू cmd सेट वार्निंग्स फॉल्स, कोई भी वार्निंग हमें ना दे,
और हमारा ये जो फंक्शन है कौन सा, रन एसक्यूएल का, str insert, ये रन हो। और उसके बाद हमें एक मैसेज बॉक्स दिया जाए कि रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, VBA ओके ओनली रिकॉर्ड सेव। अलबत्ता अगर हम इसे करें रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा जो फॉर्म है वो रिक्वेरी हो जाए, यानी रिफ्रेश हो जाए। तो मैं इसको एंड इफ और एंड इफ करता हूँ, कोई भी एरर हमारे पास नहीं है, मैंने डिबग करके देख लिया है। अब मैं आता हूँ रन करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड के ऊपर तो वो हमसे कहता है प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स बिफोर एडिंग अ रिकॉर्ड। तो हम डेट के ऊपर आ गए हैं, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास है कैटेगरी रिटेलर होलसेल, जो भी होगा वो हम चूज़ करेंगे। ईमेल हम छोड़ देते हैं, ईमेल हमारा कंपलसरी नहीं है। सर्कुलर रोड एड्रेस मैं टाइप कर लेता हूँ, खैर है। स्टेटस हमारे पास एक्टिव होगा, ओपनिंग बैलेंस ज़ीरो करके मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। तो ये आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे परफेक्टली ऐड हो चुका है और हमारा कर्सर यहाँ पे जंप करके आया है। सिंपली मैं ये करता हूँ कि आईडी की फील्ड को सेंट्रलाइज करता हूँ, रन करके आप देखेंगे आपकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के सीक्वेंस के साथ हैं। टेरिटरी आईडी मैंने लेफ्ट कर दी है। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि टेरिटरी मैंने ऐड तो की है लेकिन यहाँ पे वो ऐड नहीं हुई, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ यूज़ की हैं वो हमारी नंबर में आ रही है, ठीक है, 1, 2, 3 में, क्योंकि हम अपना डाटा टेबल से ले रहे हैं टेरिटरी से। और यहाँ पे जो हमने फील्ड बनाई है वो टेक्स्ट बेस्ड है, बाकी सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं। अलबत्ता स्टेटस की फील्ड को हम सेंट्रलाइज करते हैं ये भी, और मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर्स में हमारे पास टेरिटरी आईडी जो है वो यहाँ पे नहीं आई। तो ये और बाकी हमारा जो काम है वो ये है कि जब हम ऐड कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड को तो हमारा ये फॉर्म ब्लैंक हो जाए और हम इस यानी इस फील्ड के ऊपर जंप करके आ जाएं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिली होगी और आपने ये मुझे ज़रूर बताना है कि मैं अपनी इस फाइल को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जाते जाते मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।